उनका कोई मान भी नहीं होता। हालांकि हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान से बात कर सकता है किसी लड़की के बारे में, ये जिस्म फरोश है, ये कंजर है, या ये मुजरा करने वाली है। आम सा बंदे सर की बात नहीं कर सकता, और एक हाफिज़ कुरान सर की बात कर सकता है। क्या आप वाकई गन्स का शौक रखते हैं? अगर रखते हैं तो कौन सी गन का शौक रखते हैं? अगला ब्रदर ने अपने चैनल पर एक वीडियो लगाई है जिसमें वो कहता है कि इन लोगों ने मुझे कार में बिठाया और मुझ पर इतना तशद्दुद किया, मैं रोता रहा, माफियां मांगता रहा। इन्होंने कहा है कि अपना यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल पर लॉगिन करो, लॉगिन करके उसमें से जो भी वो वीडियोस हैं वो डिलीट करो। मैंने बड़ी मार खाई लेकिन मैं वो वीडियो डिलीट नहीं की। क्या हकीकत है? अस्सलामुअलैकुम, MN पॉइंट के साथ आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मेरे साथ वो पर्सनैलिटी मौजूद है जिनका नाम है नदीम मुबारक। ये टिकटॉक पर आईफोन के शाहकार हैं, हर बंदे को आईफोन बांटते हैं। और आज कल इनका एक स्कैंडल है जो बड़ा ही सरेआम हुआ है और बड़े ही यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर जा रहा है। इन पर एक इल्ज़ाम आया था कि ये सियालकोट में जाते हैं और एक यूट्यूबर को किडनैप करते हैं, किडनैप करके मतलब कि अगवा करके अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं और वहाँ पर ये पकड़े जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और बात करके जानते हैं कि इस सारे वाक़े की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपनी मैं लाल गाड़ी में लेके जाता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नदीम भाई, मुझे आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शॉर्ट टाइम से टाइम देगा मेरे वहाँ। कोई मसला नहीं यार। नदीम भाई, मुझे बताइएगा कि कोई बंदा यूट्यूब पर आपके खिलाफ वीडियो लगाता है तो आप उसको किडनैप कर लेते हैं और वो भी अपनी लाल गाड़ी में, जो गाड़ी टिकटॉक पर बड़ी गर्दिश मशहूर है। वो यही तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि मेरी लाल गाड़ी ये पूरे सोशल मीडिया में मशहूर है, उसी में मैं लोगों को उठाऊंगा। जी, ये मैंने पहली दफ़ा सुना इस तरह की बात। ये सारा वकूआ है कैसे, किस तरह आप सियाल जाते हैं? वो ये लड़का जो है बदला ब्रदर, हाफिज़ कुरान, मुनाफिक सा बंदा है वो, चक्करबाजी, उसकी एक्सपोज वीडियो मैंने डाली अपने चैनल पर। तो वो बस ऐसे ड्रामे लगाता है कि लड़की माओ बहनों को टारगेट करना और फिर मैसेज निकलवाना लोगों से, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना। जब कोई बंदा आपकी माँ या बहन को गाली दे, आप उस बंदे को कहो कि यार ये आप ये गलत हरकत की ऐसी की तैसी, तो आगे से मैं उससे अपोलोजाइज करने के बजाय मैं उसे कहूँ कि इसने मुझे थ्रेट कर दिया। भाई, एक तो आप किसी को टारगेट करोगे, ऊपर से वो बंदा आप पे अपना गुस्सा थोड़ा सा निकाले और आप उसको उल्टा पड़ जाओ कि इसने मुझे थ्रेट किया। तो ये चक्करबाजी होती है ना, रंगबाजी होती है, पैसा पूसा मिलता है यूट्यूब से और कुछ भी नहीं है। ये फ्रॉडियस लोग होते हैं, ये यूट्यूब पर जो जो करते हैं रोस्टिंग, इनका कोई ईमान दे नहीं होता, खुदा की कसम इनका कोई ईमान दे नहीं होता। हालांकि हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान से बात कर सकता है किसी लड़की के बारे में, ये जिस्म फरोश है, ये कंजर है, या ये मुजरा करने वाली है। आम सा बंदे सर की बात नहीं कर सकता, और एक हाफिज़ कुरान सर की बात कर सकता है। तो ये लोगों को समझ नहीं आती, लोग फुद्दू से काटते रहते हैं इस तरह का, लोगों को पता नहीं चाहिए ये रॉन्ग नंबर है। बस ऐसे ही बच्चे कहते हैं जी बदला बदर इज़ राइट, ही वो मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया। अच्छा नदीम भाई, मुझे बताइएगा कि सियालकोट आप जाते हैं, किस तरह ये सारा सीन क्रिएट होता है? लाल गाड़ी में जाता हूँ एक वकील दो दोस्तों के साथ, वहाँ जाके खुद ही बुलाता है हमें अजवा होटल पे। वहाँ पे मेरी गाड़ी में दोनों बैठ जाते हैं, आगे जाते हैं हम लाइट बैंक के पास, लाइट बैंक जाता है मेरा दोस्त असद और साथ में एक लड़का पीछे असद उसका भाई बदला का। पैसे निकलवाते हैं 40,000 रुपीज़ मेरे कार्ड से, बाहर आते हैं, बाहर आके इसका भाई ड्रामे लगाता है, ड्रामा लगा लोगों के हम वहाँ से भाग जाते हैं। इसको भाई को भी थोड़ी सी मुँह मारी होने के बाद उतार देते हैं गाड़ी से। बाद में पुलिस की कॉल आती है, पुलिस की कॉल की DSP ना SHO की, तो हम थाने में जाके पेश हो जाते हैं और वहाँ पे हमारे ऊपर ड्यूटी FIR कट जाती है विदाउट इन्वेस्टिगेशन। अगले दिन पुलिस कहती है ड्यूटी FIR है, मैंने कहा भैया आपने जलील कर दिया, अब आप कह रहे हैं ड्यूटी FIR है। अब पुलिस कहती है जी हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे 182 की। अब मेरे रोज चक्कर लग रहे हैं मेरे वहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि फटाफट कार्रवाई करो, इसको फेंको सलाखों के पीछे यार जहाँ इसकी जगह है, ताकि पता चले कि लोगों को, बाकी लोगों को पता चले कि FIR ड्यूटी करने के अपना क्या नुकसान है पाकिस्तान में। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की तो फिर इस तरह तो फिर हर बंदा ड्यूटी FIR करने लग जाएगा। अच्छा, बदला ब्रदर ने अपने चैनल पर एक वीडियो लगाई है जिसमें वो कहता है कि इन लोगों ने मुझे कार में बिठाया और मुझ पर इतना तशद्दुद किया, मैं रोता रहा, माफियां मांगता रहा। इन्होंने कहा है कि अपना यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल पर लॉगिन करो, लॉगिन करके उसमें से जो भी वो वीडियोस हैं वो डिलीट करो। मैंने बड़ी मार खाई लेकिन मैं वो वीडियो डिलीट नहीं की। क्या हकीकत है इसमें? कोई हकीकत नहीं, ना हमारे पास कोई औजार था, ना गन थी। जिसको गन्नों सुन्नों से मार पड़ी हो उसकी हालत इस तरह की होती नहीं, और जिस पर तशद्दुद हुआ हो ना, तशद्दुद एक लफ्ज़ होता है, जिस पर तशद्दुद हुआ ना उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती है। और ये इस तरह के झूठे बातें करके लोगों को इमोशनली अपने साथ करना, ये ड्रामा होता है। मेरी अब लोग बहुत ज़्यादा हकीकत जान जाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है, क्योंकि हकीकत सच होती है ना, वो निकल आता है, झूठ झूठ होता है, सच होता है। अच्छा नदीम भाई, पर्सनल सवाल है, क्या आप वाकई गन्स का शौक रखते हैं? अगर रखते हैं तो कौन सी गन का शौक रखते हैं? मुझे तो गन का नाम भी नहीं आता, ज़िंदगी में ना गन रखी है। इसके आगे जो अब उसके ऊपर केस हुआ है, आपका क्या रद्दमल है कि अब जो केस आपने उस पर किया है आप क्या करेंगे? देखिए, हमने कोई केस नहीं किया,
के ऊपर 182 एक 182 होती है ड्यूटी ऑफ एयर के मुताबिक जी हाँ, वो पुलिस ने कार्रवाई करनी है, मैंने पीछे पैरवी करनी है, तो जब तक वो उसका फैसला नहीं होगा मैं तो पीछे हूँ इंशाल्लाह उसके। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये तो मसला यहाँ पर हल हो गया, टिकटॉक पर आप बड़े मोबाइल बांटते हैं, आईफोन बांटते हैं, तो ये क्या हकीकत है, वाकई आईफोन होते हैं या डीमीज होते हैं? नहीं नहीं, रियल फ़ोन बांटते हैं लोगों को, बहुत दिए आईफोन जिनको दिए हैं उनको पता है कि नाने वाला देता है रियल आईफोन, बाकी लोग तो फ्रॉड ही करते हैं, चैलेंज वैलेंज खुद ही ड्रामा करते हैं।